गुड न्यूज फॉर इंडियंस, यूके गवर्नमेंट ने न्यू वीजा जो है वो स्टार्ट किया है। ये वीजा के अंदर आप यूके के अंदर स्टडी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और इवन एक स्मॉल बिजनेस भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जितने इंडियंस जिनकी एज 18 से 13 इयर्स के बीच में है वो इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बैचलर्स, मास्टर्स और इवन MBA भी कर रखी है और उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट और चाइल्ड डिपेंडेंसी नहीं है तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये वीजा रूट के दो नाम है, यंग प्रोफेशनल स्कीम और यूथ मोबिलिटी स्कीम। इस वीजा के अंदर यूके गवर्नमेंट 3000 वीजा जो है वो अलॉट करेगी और विद इन 3 वीक्स के अंदर आप यूके आ सकते हैं और ये वीजा के ऊपर आप यूके के अंदर 2 इयर्स तक रह सकते हैं। तो मेरा नाम प्रतीक है, मैं यूके के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3 इयर्स से काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने चैनल के ऊपर लाइफस्टाइल वीडियोस स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल एक्सटेंड करा सकते हैं वीजा। लिंक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लिंक 48 आवर्स के लिए एक्टिव होगा जो 20th फरवरी से लेकर के 2020 फरवरी तक एक्टिव रहेगा। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2:30 PM है। तो इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वैलिड फोन नंबर और आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी। इस स्टेप पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है किसी भी पोर्टल पे। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर आपको अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करने हैं, चाहे वो आपको फोटो स्टेट की फॉर्म में हो चाहे वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में हो। जिसमें सबसे पहला आता है PCC जिसको बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा, आपको साइन और स्टैंप करके देगा। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट TB रिपोर्ट, जो आपके कराने के 6 मंथ तक वैलिड रहती है। तो TB टेस्ट कराने के लिए यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर आप जिस भी स्टेट के अंदर इंडिया के अंदर रह रहे हैं आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स और क्लिनिक को सर्च कर सकते हैं और वहां जाकर अपना टेस्ट जो है वो बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट, तो आपके पास अपनी सेविंग के अंदर 2530 pounds जो है वो होने चाहिए, जो रफली इंडियन रुपीज के अंदर 2.5 to 3 lakh rupees बनते हैं। नेक्स्ट है आपका वैलिड पासपोर्ट, जो आपका मिनिमम 6 months के लिए जो है वो वैलिड होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन और मास्टर स्टडीज, जितने भी आपकी हायर स्टडीज हायर एजुकेशन है सबकी आपके पास ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 months लगते हैं किसी भी कॉलेज को इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप है आपको वीजा एप्लीकेशन अपनी फिल करनी है। टुडे यानी कि आज की डेट से 20th February से स्टार्ट हो चुकी है 20:30 PM के हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो इस वीजा एप्लीकेशन के अंदर आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, आप कहां पर काम करते थे, सारी एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है और इसके साथ आपको अपनी वीजा की फीस और IHS फीस जो है वो पेमेंट भी करनी है। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी IHS फीस पे करनी है जो अप्रोक्सीमेटली 1552 pounds है। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, जो रेफरेंस नंबर आप फिल करके वीजा की एप्लीकेशन जो है वो भी पे करेंगे, जिसकी कॉस्ट 298 pounds है। नेक्स्ट है आपको अपने रिजल्ट का जो है वो वेट करना है। ये एक तरह से एक लॉटरी सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेंट जो है अपनी प्रोफाइल ऐड करेंगे, रिजल्ट का आपको वेट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, जिसमें मैक्सिमम 3 weeks का टाइम लगेगा। 3 weeks के अंदर आपको यूके गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम 300 एप्लीकेंट्स ही चूज किए जाएंगे। तो वीडियो के अंदर मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं, क्या क्या आपको वीजा की फीस भरनी है, कितनी आपको सेविंग्स चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है तो मैंने उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है कि आपको यूके आने से पहले आपको क्या क्या चीजें अपने साथ लेकर आनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, चाहे वो अकोमोडेशन हो, उस सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो को देख सकते हैं।